समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वीडियो में आपका स्वागत है। यूनिट 4 मटेरियल इंजीनियरिंग एक्टिव, चैप्टर का नाम है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। ठीक है, तो इसमें भी 1000% की गारंटी लेने वाला एक क्वेश्चन है, TTT डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको 10 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डायग्राम के साथ हर चीज़ आपको डिस्कस करना है वहाँ पर। ठीक है, दो पन्ने में ये क्वेश्चन आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर में आता है, 10 से नीचे इसका रेट है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आयरन कार्बन डायग्राम की तरह है, 10 नंबर से कम में इसका रेट आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो ये कह सकते हो आप कि मैंने पूरा चैप्टर ही दे दिया है, बट मैंने क्या कहा है, 6 टाइप्स के होते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड देम। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है ना, एनीलिंग आ जाता है 2 नंबर में, टेम्परिंग आ जाता है 2 नंबर में, नॉर्मलाइजिंग एंड स्फेरोडाइजिंग ये भी 2 नंबर में, तो 10 नंबर में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। केस हार्डनिंग जो है, ये टॉपिक आपको 10 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेना। ठीक है, हल्की निगाह से भी देख लोगे तो पूरा पन्ना भरा होगा, हम जानते हैं तुम इंजीनियर हो। तो इसमें ट्रिपल टी डायग्राम कुछ भी करके भूलना नहीं है, ट्रिपल टी डायग्राम देखना है और तभी जाना है। ठीक है, ट्रिपल टी डायग्राम, और दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। पूरे एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो गलत बात है। ठीक है, TTT डायग्राम और दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, ऑस्टेम्परिंग एंड मार टेम्परिंग। ठीक है, ऑस्टेम्परिंग एंड मार टेम्परिंग, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आध बार पीछे भी आ चुका है। आई थिंक दो नंबर में आया था, 2 नंबर में। केस हार्डनिंग 10 नंबर में आया था। तो एक काम करना, इन 6 के 6 टॉपिक को एक रफ निगाह से देख लेना, ये नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर करो। लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो टाइम से आपको मिलती है। ठीक है।